तो पहुंच गए हैं हम हमारे नेक्स्ट हाउस में. और एक्चुअली आज तो हम लोग 2 घंटे पहले गए थे, बट देन वी टुक सम रेस्ट क्योंकि थक गए थे. और जहाँ रुके हैं उसका नाम है, यहाँ लिखा भी है, अमिया हाउस या आमिया हाउस. और ये पूरा हाउस ही है और इसके अंदर रुके हुए हैं हम लोग. 2 लोग रुके हैं हम, वैसे 4 लोग आराम से रुक सकते, इतना बड़ा घर है. एंड इट्स कम्प्लीटली वाइट बाहर से, अंदर से तो इट लुक्स लाइक अ नॉर्मल हाउस. बस डिफरेंट ये है कि 2 बेडरूम है, एक यहाँ लिविंग रूम है, फुल किचन है विच इज़ इम्पॉर्टेंट, और एक बेडरूम इस तरफ है और एक बेडरूम इस तरफ है. तो 2 बेडरूम है, 2 बाथरूम्स हैं. और अब क्या करना है, अब जाने वाले हैं हम लोग जो साउथ अफ्रीका का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है. और क्योंकि अब उसके बाद ना पूरा ओशियन आ जाएगा, और फिर ओशियन के बाद तो अंटार्कटिका ही आएगा जो कि बहुत दूर है. तो अफ्रीका का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है वो देखने जा रहे हैं. तो चलते हैं और देखते हैं कि कैसा दिखता है वो. और ऑफ कोर्स वहाँ बीच भी है, तो थोड़ा बीच पे वॉक करेंगे, थोड़ा विंडी होगा और 1 घंटे में सनसेट भी हो जाएगा. तो मोस्टली सनसेट तो बीच पे नहीं होगा, बट नेवरदलेस सनसेट के कलर्स तो आ ही जाएंगे. लेट्स गो. तो पहुंच गए हैं हम लोग द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ साउथ अफ्रीका. एंड कार ऐसे पार्क करिए, इनफैक्ट वी कैन टेक अ गुड पिक्चर विद द सन एंड विद दिस कार. 2 कार्स यहाँ पार्क है, तो देर इज़ नो डेजिग्नेटेड पार्किंग, हमें तो नहीं दिखी. एंड पूरा वॉकवे है, सो लेट्स गो एंड वॉक टिल द लाइट हाउस एंड द सदर्न मोस्ट पार्ट. वैसे लाइट हाउस के लिए वापस कार के लेके भी जा सकते हैं, बट अभी लेट्स वॉक. करिए और ऐसे वॉक करते हुए पहुंच गए हैं हम लोग सदर्न मोस्ट टिप ऑफ साउथ अफ्रीका विच इज दिस पॉइंट. एंड एक मिथ है विच इज कि केप ऑफ गुड होप जो है वो है सदर्न मोस्ट टिप, विच इज नॉट, इट्स दिस प्लेस. एंड यहाँ लिखा भी हुआ है, इसको बोलते हैं केप अगुलास. सो दिस इज द मोस्ट सदर्न मोस्ट टिप पॉइंट. और यहाँ से आपको दिखेगा, दिख रहा है क्या आपको? यहाँ से दिखेगा अंटार्कटिका. जब क्लियर स्काई होगा ना तब दिखेगा. नहीं, कभी नहीं दिखेगा. 6,000 किलोमीटर दूर है अंटार्कटिका, यहाँ से अंटार्कटिका बिल्कुल नहीं दिखेगा. बट यहाँ ये पॉइंट है जहाँ से इंडियन ओशियन और अटलांटिक ओशन दोनों ऐसे मीट हो रहा है. इंडियन ओशन के वार्म वाटर और अटलांटिक ओशन का कोल्ड वाटर ऐसे यहाँ मीट हो रहा है. और इसके लिए अगर यहाँ आएंगे भी ना इस तरफ जहाँ पे ये लिखा हुआ है, यू आर नाउ एट द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस तरफ इंडियन ओशन है और इस तरफ अटलांटिक ओशन है. तो मैं ऐसे अगर खड़े जाऊँ तो क्या ये 2 ओशन पे मैं खड़े हो गई हूँ सौरभ, लाइक दिस? जैसे जैसे बेल्जियम और नेदरलैंड्स का बॉर्डर था. हाँ, नॉट एग्जैक्टली ओशन पे तो हूँ नहीं, बट इसके बॉर्डर पे हूँ. सो या दिस इज द मोस्ट सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट. इट्स गेटिंग वेरी विंडी हियर, सनसेट हो गया है तो थोड़े टेम्परेचर्स भी कूल डाउन हो गए. बट एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखिए, ये जो ऐसे रॉक के फॉर्मेशन है ये सब ना
इस तरफ है, हमारी तरफ है. क्यों? क्योंकि विंड ऐसे बह रही है ना, इस तरफ पूरी विंड आ रही है, विंड का गश आ रहा है, तो इसलिए रॉक की सारी जो डायरेक्शन है वो भी इस तरफ आ रही है बिकॉज ऑफ द विंड. वैसे यहाँ पे लाइट हाउस भी है जो कि पूरा उधर है, सो साधन वो स्टेप पे देर इज़ दिस लाइट हाउस एज वेल दैट साइड. उसके अंदर भी जा सकते हैं, उस पर ऊपर भी जा सकते हैं. ऑफकोर्स अब तो बंद हो गया होगा, सनसेट हो गया. और हुआ क्या कि मैंने तो अपना पिक्चर खिंचा लिया इसके पास, और सौरभ लाइक मेघा मेरा पिक्चर नहीं हुआ है, सो वी आर गोइंग बैक. तो अभी हम जा रहे थे, बोलते रहे मुझे भी पिक्चर चाहिए, तो अभी हम वी आर गोइंग ऑल द वे बैक. और कोई भी पार्किंग का कुछ भी ऐसा नहीं है, फ्री है ये पूरा जगह, सो आराम से आ सकते हैं और पिक्चर खिंचा सकते हैं. एंड वी सॉ वन मोर अमेजिंग सनसेट. यस, सनसेट हमने सोचा ही था साधन मोस्ट ट्रिप पे जाके सनसेट देखेंगे, तो देख लिया आज साधन मोस्ट ट्रिप पे जाके सनसेट. नाउ यू वांट टू क्लिक अ पिक्चर? यस, लेट्स डू इट. सो नाउ वी आर हेडिंग बैक, और सनसेट हो चुका है और अंधेरा भी हो रहा है, और यहाँ कोई ऐसे स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, इसलिए पार्क की रोड से. तो पूरा अंधेरा होने से पहले कार पे पहुंच के कार को उस मेन रोड पे लाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत ही ऐसी फालतू सड़क है, मतलब सड़क ही नहीं है, कहीं कहीं भी कोई से बड़ा पत्थर छोटा पत्थर है. हाँ. और इस गाड़ी में कोई भी सेंसर नहीं है, कुछ भी नहीं है, सो सीधे बम की आवाज आएगी अगर कहीं हिट हुआ तो. हाँ, और वो हम नहीं चाहते. और आज हम ना डिनर घर पे करेंगे, और घर पे बनाने वाले हैं हम लोग, वो आप देखते रहिए. तो ट्रिक इज कि हमने जाने से पहले दो घंटे पहले ये दाल भिगो के रख दी थी, तो अब सब कुछ इसमें फ्राई करेंगे और फिर दाल को ढक के रख देंगे, सो थोड़ी देर में बॉयल होकर दाल बन जाएगी. और तब तक मैं घर रखती है राइस, एंड आई विल चेंज एंड देन वी विल हैव डिनर. सी यू एट डिनर टेबल. सो फूड इज रेडी, दाल राइस सैलड, एंड सैलड में सिर्फ लेट्यूस तो आपने देखा ही हमने लिया था, और अनियंस भी लिए हैं दूसरी शॉप से जाके जल्दी से. It's time to eat. Yes, we are hungry. Super hungry. And dal chawal yani jannat. To jaldi se iska kha lete hain. Aur khushiyan banate hain. Good morning. बहुत अच्छे से सोए, रात में काफी थक गए थे रोड ट्रिप करते हुए, और गर्मी भी बहुत थी. But now morning start हो रही है. एक तरफ हो रहा है पानी गर्म, और दूसरी तरफ बन रही है मेरी चाय. सब फटाफट चाय पीते हैं, रेडी होते हैं दिन के लिए, एंड देन वी विल स्टार्ट अवर डेस्टिनेशन, अवर जर्नी टू अ न्यू डेस्टिनेशन. सो सौरभ की चाय का वीडियो तो देख लिया आपने. अभी आई ईट कॉर्नफ्लेक्स, और मैंने ये सैंडविचेस बना दिए हैं, तो सैंडविचेस पैक फॉर रास्ता. तो आज लंच का कोई टेंशन नहीं, और नो थेपला मिसिंग एज वेल, नहीं तो वो बीच बीच में रुकना पड़ता है बिकॉज भूख तो लगती ही है. नो वी हैव the sandwiches. I'm eating cornflakes. Breakfast में भी थोड़े बचा लिए मैंने सैंडविच, शायद थोड़ा रख दिए. सो या सो वील ईट दीज सैंडविचेस फॉर ब्रेकफास्ट. कॉर्नफ्लेक्स सर का चाय बन रहा है, ऑल सेट. बैकपैक भी है हमारे, वी हैव टू. डे ट्रिप में ये होता है कि रोज रात को बैग अनपैक करो, रोड ट्रिप में. रोड ट्रिप में क्योंकि हर दिन नया एक होटल या अपार्टमेंट चूज करते हैं, तो वो थोड़ा प्रॉब्लम होता है कि आप बार बार अनपैक करो फिर पैक करो. बट आई थिंक आई एम यूज्ड टू इट. आइसलैंड में भी किया था हमने फर्स्ट रोड ट्रिप में. बट आई नो कि इट्स बिट पेनफुल ये सब चीजें करना. और ये जो मैं डाल रही हूँ ना, ये डच बॉर्नविटा है. आई नीड अ स्पून. और मैंने एक चीज नोटिस करी, जैसे तो ये अपार्टमेंट है, यू हैव टू कुक योरसेल्फ, और ब्रेकफास्ट भी आपका खुद ही बनाना पड़ता है, यू विल नॉट गेट एनीथिंग. बट यहाँ पे इन टाइप के अपार्टमेंट्स को या गेस्ट हाउसेस को बोलते हैं सेल्फ कैटरिंग. सो ये है सेल्फ कैटरिंग, सेल्फ कैटरिंग अपार्टमेंट. सो माय ब्रेकफास्ट इज रेडी, सैंडविच इज रेडी, लेट्स ईट. लेट्स ईट.
So now it's time to check out of this house. Amiya house. और actually मैं okay ही था. या ये कहें कि हम जो last गेस्ट हाउस में रुके थे वहाँ पे वो डर्क और इवान जो अंकल आंटी थे उन्होंने हमें स्पॉइल कर दिया एक्चुअली विद देयर हॉस्पिटैलिटी. सो लॉक कर दिया है और इसे बॉक्स में डालना है. सो इसे बॉक्स में डालते हैं एंड देन वी आर गोइंग टू मॉजल बे टुडे विच इज़ द स्टार्ट ऑफ द गार्डन रूट. सो पहले ये डालते हैं फिर आराम से बताते हैं फिर लेट्स गो बोलेंगे. पहले ये डालते हैं. बहुत तेज भिंडी है और घर से बाहर आते ही हमको ये जो हमारा ये जहाँ हम रुके हुए थे वहाँ का ये बीच है ये इंडियन ओशन पता नहीं कितना अच्छा दिख रहा है कैमरे में मगर वाटर कलर्स आर अमेजिंग क्योंकि ये इंडियन ओशन है तो जो वाटर कलर मालदीव में होता है वही कलर यहाँ भी आ रहा है. एंड दिस इज द बीच एंड इट्स वेरी विंडी. मेरा कार में है सोच रही है कि बाहर आएगी नहीं है क्योंकि अभी अभी निकले हैं घर से और बहुत सैंड उड़ रहा है यहाँ पर. बट जस्ट मैं आगे तो नहीं जाऊँगा क्योंकि हम दूसरे बीच जाएंगे अभी तो हमको ड्राइव करना है. बट अभी रुक गए हम लोग ये क्विक व्यू देखने के लिए और आपको दिखाने के लिए. हेडिंग बैक टू द कार. बहुत विंड चल रही है टू मच ऑफ सैंड एज वेल. उल्टा वॉक करता हूँ तो मुंह में सैंड घुस जाएगी. सो वेरी विंडी. यस सुपर विंडी. बहुत विंड था. सो शुड आई कम और मेरे बाल देख लो कैसे हो गए. या आई कैन सी दैट. शुड आई कम और शुड आई नॉट. आई थिंक वी कैन स्किप इट. ओके. I think I'll will also be blown away with this super gush. Now let me show you कि मेरे बालों का क्या हुआ. So this is how Saurabh hairs look like now. So now पूरा sand घुस गया. हाँ दिख रहा है पूरा तेरे face पे भी sand है. I think yeah do this. I think we should not come out. हाँ it's like कितना ज़्यादा क्यों windy है. And मैंने पढ़ा था कि November month is the most windiest month. But कल तो बिल्कुल अच्छा हो गया. अच्छा हुआ अपने whale watching के time में नहीं तो अपना boat हवा में उड़ जाता. Seriously पूरा sun चिपक गया मेरे चेहरे पे भी. I can see it in the mirror. Okay. Let's go into the mountains. Yes let's go in the mountains. 3 hours का drive है हमारा Mozzel Bay का. So अब जा रहे हैं हम Mozzel Bay जैसे मैं बता ही रही थी. और Mozzel Bay से शुरू होता है Garden Route. यहाँ से हम लोगों का 3 hours और सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो एक कोस्टल टाउन है और वहीं से गार्डन रूट शुरू होगा और फिर वहीं से हम सारा गार्डन रूट करेंगे और काफी और चीजें करेंगे. सो चलते हैं और अब करते हैं हम लोग. लेट्स गो. लेट्स गो.